शुरू होते ही गर्मी का कहर भी शुरू हो गया है, तो वहीं रामपुर में भी गर्मी का भारी सितम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कूलर से लेकर पंखों की बिक्री में भारी इजाफा देखा जा रहा है। वहीं संवाददाता ने कूलर और पंखों की दुकानों का जायजा लिया है। जिस इस वक्त हम खड़े हैं उस मार्केट में जो पंखे और कूलर की मार्केट है, क्योंकि इस वक्त जो गर्मी का सितम है वो इतना ज़बरदस्त है कि पारा भी बेवफाई कर रहा है और 45 डिग्री को छू रहा है। जलती और चुपती गर्मी का ये मौसम है जिसमें लोगों को गर्मी ने बेहाल कर रखा है। आज मार्केट खुलने का ये पहला दिन है और यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पंखे खरीदने आए हैं, कूलर खरीदने आए हैं, क्योंकि गर्मी का जो मौसम है वो इतना जला रहा है। उसकी वजह एक ये भी है कि पर्यावरण का संतुलन जो है वो इतना ख़राब है, वनों का ख़त्म होने की वजह से जो गर्मी का सितम है वो लगातार बढ़ रहा है। हालात तो ये हैं कि 50 डिग्री तक पारा पहुंच जाता है। यहाँ पे मार्केट खुली है और आज दुकानदार भी यहाँ हैं। मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ कि आपके यहाँ ग्राहक आ रहे हैं पंखा लेने? पंखा लेने ग्राहक तो आ रहे हैं, लेकिन इतनी वो भीड़ नहीं जो होनी चाहिए, कम है, लेकिन हाँ वो लॉकडाउन की वजह से कम आ रहे हैं। यानी कि गर्मी में लोग बाहर निकल रहे हैं, खरीदने आ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा, मालूम प्रशासन सख्ती कर रहा ज़्यादा, आने नहीं दे रहे लोगों को यहाँ पर। तो ये बिल्कुल दुकानदार का साफ कहना है कि प्रशासन की सख्ती की वजह से हम बाहर से तो माल ला नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो माल हमारे यहाँ है उसकी हम बिक्री कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं इक्का दुक्का खरीदने के लिए, क्योंकि गर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा बेतहाशा गर्मी है जिससे आदमी को घरों में छुपने के लिए मजबूर कर दिया है। अब कपड़े भी आदमी को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। रामपुर से फहीम खान, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।